कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। खून के रंगों के साथ बंगाल में चौथे चरण का मतदान, कूचबिहार में हुई 5 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से होने के बाद चौथे चरण का मतदान खून के रंगों में रंग गया। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए 5 जिलों के 44 सीटों पर शनिवार को वोटिंग हुई, जिस दौरान कई इलाकों में हिंसक घटनाएं सामने आई। कूचबिहार में हिंसक घटनाओं के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, मतदान केंद्रों पर बम फेंके गए और गोलीबारी भी की गई। इसके अलावा सितालकुची में सीआईएसएफ के जवानों पर भीड़ ने धावा बोल दिया, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में सीआईएसएफ के जवानों को भी फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई व 5 अन्य घायल हो गए। हालांकि इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने जिले में 72 घंटे के लिए किसी भी पार्टी के नेताओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदाताओं और वोटिंग करा रहे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि 5वें फेज के लिए चुनाव प्रचार का समय 48 घंटा के बजाय 72 घंटा पहले ही समाप्त हो जाएगा। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि यह घटना ममता बनर्जी के केंद्रीय बल के घेराव के बयान के कारण हुई है, तो वहीं दीदी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह घटना अमित शाह के इशारे पर ही की गई है। वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है, तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ रूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे, बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिला यूज करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया उस टाइम उसका, जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इस घटना को लेकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।